दोस्तों, आज हम आपको भक्त और भगवान की एक सुंदर कथा सुनाने वाले हैं। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही एक भक्त है धन्ना जी, जिनका जन्म मुंबई के पास भगवान गांव में एक जाट पर घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना जी बड़े हुए, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करते। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वारा था, जिसमें बहुत सारे ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटा अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान कराते व घंटियां खड़काते रोज देखता। अल्पबुद्धि का मन होने के कारण वह समझ नहीं पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर ये क्या कर रहे हो। पंडित ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जिससे कि मनोकामना पूर्ण होती है। धन्ने ने कहा कि ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने एक कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहा। उसने ठाकुर जी के आगे बहुत मन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन से पूजा करके और साफ मन से पत्थर को भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी की पूजा और उनको खर्च करने से सब कुछ हासिल हो सकता है, तो उसे अवश्य ही उसके घर के गरीबी चले जाए तथा सुख आ जाए, यही मांगना चाहिए। ऐसा सोच कर वह पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि यह ठाकुर पूजा के लिए नहीं कर पाएगा। दूसरा तो तुम अनपढ़ हो, तीसरा ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं और नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का धर्म है अनाज पैदा करना। लेकिन धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने शालिग्राम मंदिर में जो एक फालतू पड़ा था, उसे उठाकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ना को नींद ना आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करूं और उनसे क्या क्या मांगूं। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगा, मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन के अलावा कुछ और नहीं है। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे वो भी रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करें? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर में ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपको प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। एक घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान शिव के माखन रोटी खाने आ गए हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ने जो इच्छा है मांग ले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ने ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य सवार देते हो, मुझे गेहूँ दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊँगा। यदि जूता कपड़े साथ प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी मुझे दे दो। धन्ने के वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब मस्ती तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु बोले, धन्ने कुछ और चाहिए? तब धन्ना बोला कि नहीं नहीं, मुझे जब भी कुछ चाहिए होगा मैं आपके दर्शन कर लूँगा और आपको बता दूँगा। प्रभु तथास्तु कहकर चले गए। अब प्रभु धन्ने ने बोला कि हे प्रभु,
धन्ना, मैं आज से आपका आजीवन सेवक रहूंगा, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो प्रभु वहां नहीं थे और पत्थर का शालिग्राम वहां पड़ा था। उसके बर्तन से बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीन लोगों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शन हुए कुछ दिन पश्चात धन्ने के घर सारी खुशी आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा उठी। उसने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। किसी ने धन्ने को कहा कि चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ने ने दिल से उनकी खूब सेवा की, तदा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्ने को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का स्मरण करने लगा और उसे हर प्रकार के सुख प्राप्त हुए। यदि आप भी सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आपके पीछे दौड़े चले आते हैं। इस बात में कोई भी दोराई नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।